जब से ये बीजेपी सरकार आई है परेशानियां लेके आई है किसान वास्ते। दूसरी बात देखो, आपने दिखा रहे हो कितनी ट्रालियां लगी हुई हैं, पीछे सड़क तक पहुंच गई है। सरकार की नई नई एडवाइजरी किसान के प्रति, वो कहीं ना कहीं किसान को परेशान और बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये जीरी जो बरसातों के टाइम फसल खराब हो जाती है, दोबारा लगती है, वो जीरी है। जैसे 14 होगी 26 होगी। अब सरकार और प्रशासन इनका ये कह रहा, हम इनके गेट पास नहीं देंगे जो ए ग्रेड का बीज है। हम ये कहते हैं भी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मंडी ना तो अटी पड़ी है, जिसकी वजह से मंडी गेट बंद कर रखा है, मंडी तो खाली पड़ी है, तो किसान का गेट पास क्यों नहीं काट रहा प्रशासन? आपके माध्यम हम डीसी साहब को अपील करते हैं, जैसे जैसे नीति लगा रहे हैं डीसी साहब, ये किसान को मारने वाली नीति। किसान इसका खुल के विरोध करता है। अगर 2-3 घंटे में ये गेट पास नहीं खुलता तो हम कैथल रोड को जाम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, मार्केट कमेटी की होगी और डीसी साहब की होगी। आप जीरी लेके आए हैं? जीरी लेके आए। कौन सी जीरी आओगे? 17-18 है। फिर मैं 3 घंटे हो गए लेने लगे हो, 3-4 घंटे हो गए, फिर भी नंबर अपनी पटा अभी तक, अभी ट्राली लेके आओ। गेट पास बिल्कुल बंद किए हुए हैं? बंद है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डीसी जी ने लिया था भाई कल हम मंडी बंद रखेंगे और कोई भी मंडी में जमींदार पीआर की फसल न लेकर ना उसको कोई गेट पास जारी किया जाएगा। ये मंडी एसोसिएशन की तरफ से फैसला था, तो मंडी एसोसिएशन प्रधान ने अपने ग्रुप में डाल दिया था भाई, अपने व्यापारियों को बोल दिया था कि जो भी अपने किसान भाई हैं उनको बोल ले भाई कल दिनांक 26 तारीख है, 26 को भाई आपने कोई भी पीआर की फसल न लेकर, ये 8-7 ट्रल आ रही है, अगर ऊपर से कोई आदेश आएगा सचिव महोदय को कोई ऐसी बात होगी तो इनको गेट पास जारी किया जाएगा। किसी भी जमींदार और व्यापारी भाई को किसी भी प्रकार की मार्केट कमेटी निश्चिंग की तरह कोई समस्या नहीं आने देंगे। जो ये गेट पास है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बंद है या निशी में देने बंद है? आज तो सिर्फ सभी मंडियों ने, करनाल डिस्ट्रिक्ट में सभी मंडियों ने प्रधानों ने बंद किए हुए हैं। लेकिन जो धान है पीआर 14 की बात करें, PR 26 की बात करें, अभी किसानों के पास खड़ी है खेतों में, क्योंकि जो बारिश हुई थी बारिश में उन्होंने 75 जो धान की बिजाई करी थी वो अभी फसल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी एक भ्रम में रहता है कि मंडी में जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो मंडी में हम गेट पास नहीं देते, तो ऐसे क्या आदेश है आपके पास, क्योंकि खरीद की जाएगी? कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई शक हो जाता है कहीं बाहर से जीरी आई हुई तो हम उसकी ना वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन वो बाहर की नहीं मिलती, वो लोकल मिलती है, तो उसको गेट पास जारी किया जाता है। अपने तौर के ऊपर भी सचिव मार्केट कमेटी श्री बलवान सिंह ने, जो हमारे नोटिफाइड एरिया में गाँव आते हैं, उन गाँव के अंदर हमने जाकर देखा कि कुछ 5-10 किले 15-20 एकड़ जो फसल लेट लगी हुई है वो अभी PR खड़ी है, उनको भी मंडी में आने आएगी जिस टाइम, उनको भी गेट पास जारी किया जाएगा। आपका नाम? धर्मवीर सिंह, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी निशन।